एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को इन एडवांस में हैप्पी ईद। तो अपनी ईद सेफली मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें। मेरी तरफ से आप सभी के लिए यही दुआ है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। मेकअप करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप अपने अच्छे से हैंड वॉश कर लें और फेस वॉश कर लें। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश गुड वाइब्स का, फोमिंग फेस वॉश है ये, पपाया वाला। और इसके बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है, ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। तो बस आपको इसको शेक करना है और आप देख सकते हैं इसमें फोम बन जाते हैं। तो आप इसे कहीं पर भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं और आप देख रहे होंगे मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो फेस वॉश करने के बाद आप ये स्टेप बिल्कुल भी ना स्किप करें। टोनर लगाना अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं अपने फेस के, आपको दिख रहा है, तो आप टोनर लगाना ज़रूर स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो हम फेस वॉश करने के बाद हमारे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको ये क्लोज करता है, मिनिमाइज करता है। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है खादी नेचुरल्स की एलोवेरा जेल, क्योंकि समर का टाइम है तो मॉइस्चराइज़र से हमारी स्किन और ऑयली सी लगती है, तो इसलिए एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या कोई और जेल लगा सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको टैन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर हमारा जो फाउंडेशन होता है उसे क्रैक नहीं होने देता है और हमारा जो फाउंडेशन मेकअप हमारा स्किन के अंदर नहीं जाने देता है। प्राइमर हमारी स्किन को बचा के रखता है। तो फाउंडेशन आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जो कि है 115 आइवरी मेरा शेड। सो उसके बाद मैंने अपने फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे और अपने नेक पे अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है राउंड फ्लैट ब्रश, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से फाउंडेशन को सेट कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रश से जब हम लगाते हैं तो उसमें से थोड़ी सी लाइन्स हमें दिखती हैं, ब्रश की लाइन्स दिखती हैं। और लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे मेबलिन की लिप बाम। और फाउंडेशन को सेट करना है और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक कॉम्पैक्ट पाउडर। कोई सी भी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें अपना फाउंडेशन को सेट करना होता है। और मैंने यूज़ किया था लैक्मे का नेचुरल शेल, मेरा शेड है वो मैंने यूज़ किया था। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिवाना कलर्स की पैलेट, 02 पैलेट है, उसमें से मैंने कॉन्टोर कर लिया है। जो ब्राउन शेड आपने देखा होगा उससे मैं अपने चीक बोन्स पे अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी और जॉ लाइन पे कर लेंगे, फोरहेड पे कर लेंगे, नोज़ पे कर लेंगे, अच्छे से हम कॉन्टोर कर लेंगे। पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया है मैंने, कोई स्टिक कॉन्टोर यहाँ पे आज यूज़ नहीं किया है। और उसी पैलेट में से जो मैंने 2 पिंक शेड्स थे देखे आपने डिफरेंट से, वो मैंने दोनों को मिक्स करके मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिए हैं और ब्लशर मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैं उसको जो अपना कॉन्टोर और ब्लश है तो वो अलग अलग ना लगे, तो एक मैंने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके दोनों को अच्छे से लिया है मैंने। और उसके बाद आपने देखा होगा मैंने नोज़ को कॉन्टोर करके आपको नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया है और उससे मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी और अपने लिप्स को भी कॉन्टोर कर लूँगी। तो नोज़ को जब आप कॉन्टोर करें तो स्मॉल ब्रश ही लें, बड़े ब्रश से ना करें कॉन्टोर। और उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से सिल्वर सा जो हाइलाइटर वाला जो शेड था वो मैंने लिया है और मैंने उसको अपने नोज़ पे, चीक बोन्स पे और अपने फोरहेड पे और लिप्स के आसपास मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया है अपने फेस को। और उसी पैलेट में से जो ब्राउन शेड था जिससे मैंने कॉन्टोरिंग की थी, वो ही वाला शेड लेके मैंने अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये वाला कलर लगा लेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जो कि हमारा है मेन प्रोडक्ट, वो है ब्लू हेवन का 10 रुपीज़ वाला काजल, क्योंकि आपको मैंने दिखाया। तो इस सिर्फ 10 रुपीज़ के काजल से हम अपना आई लुक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो ये आप सभी के पास होगा।
और इसको मैं पहले अपने लाइनर की तरह मैं अपने आईज पे ड्रॉ कर लूँगी और वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी। और उसके बाद मैंने एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया है, उससे मैं अपना जो मैंने ये लाइनर ड्रॉ किया था इसको मैं अच्छे से इसको स्मज कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही ब्लेंड करेंगे, एक बार में बहुत सारा नहीं करेंगे। और सारा खेल इसमें ब्लेंडिंग का है, आपकी आईज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी, स्मोकी आईज़ सी लगेंगी आपकी। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ब्लेंड करते रहेंगे। और जो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक शेड, ब्लैक आई शेडो, आपके पास कोई सी भी पैलेट हो आपके पास उसमें से ब्लैक आई शेडो ले लें। और जो हमने काजल जो हमने ड्रॉ किया था, जो आईलाइनर जो हमने स्मज किया अभी, उसको हम अपना सेट कर लेंगे हम ब्लैक कलर का आई शेडो लगा के। इससे आपका काजल जो है वो फैलेगा नहीं और सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लें ब्लैक कलर का आई शेडो। और उसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, और वही जो मैंने ब्लैक कलर का अपना आई शेड और ब्लैक कलर का जो लाइनर हमने अभी ब्लेंड किया था उसी के ऊपर हम थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही आई शेडो लें और उसको अच्छे से ब्लेंड करते रहें, तभी आपका ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर निखर के आएगा। उससे क्या होगा, आपका जो ब्राउन शेड है वो थोड़ा सा ऊपर को हम लगाएंगे, बिल्कुल उसी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं कर देंगे, अपर साइड में लगाएंगे हम। इससे आपका ब्लैक और ब्राउन मिक्स होके बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और एक पॉइंटर ब्रश लेके मैंने जो हमने सिल्वर सा कलर है हाइलाइटर वाला जो कलर होता है वो मैं अपने आई कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी और ब्रो बोन पे अप्लाई कर लूँगी। इससे हमारी जो आईब्रोज हैं वो भी हमारी खिल के आएंगी और आईज हमारी बड़ी बड़ी लगेंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ NY बे की आईब्रो पेंसिल और ये है मेरा शेड ब्राउन, और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी लगती है लगाने के बाद, आप देखेंगे। और आपका बिल्कुल ऐसा टेक्सचर लगेगा जैसे आप पार्लर से तैयार होके आए हों। और आप हमेशा जब भी आईब्रोज़ बनाएं तो थोड़ा थोड़ा करके ही उस पे अप्लाई करें पेंसिल, एक बार में बहुत ज़्यादा डार्क ना लगाएं क्योंकि फिर वो ब्लेंड भी नहीं होगी अच्छे से और वो बहुत फेक लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, उसके बाद स्पूली की हेल्प से आप इसको ब्लेंड कर दें। तो आप देख सकते हैं इससे कोई हार्श लाइन आपकी आईब्रोज पे नहीं दिखेगी, बिल्कुल नेचुरल सा लगेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है NY बे का कंसीलर और ये मैंने नेचुरल शेड लगाया है अपने आईब्रोज के पास और अपने अंडर आईज़ पे। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बाद में कंसीलर क्यों लगाया, क्योंकि हमने आईब्रोज़ अभी फिल करी हैं और अपने आईब्रोज़ को और अपना आई मेकअप को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, नेल्फ की लिपस्टिक है ये और ये वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। तो मैंने सिर्फ डॉट डॉट करके अपने लिप्स पे अप्लाई किया, उसके बाद मैंने अपनी फिंगर से इसे ब्लेंड कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाना था, हल्का सा करना था मुझे, फिर भी मुझे डार्क लग ही रहा था। और उसके बाद अपनी ड्रेस से मैचिंग इयररिंग्स पहन लें, और उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस से मैचिंग के ब्लैक कलर के इयररिंग्स पहन लिए हैं। और हेयर स्टाइल में मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने साइड की मांग निकाल के मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा सा आगे को करके कॉम कर लिया है और मेरी हेयर स्टाइल भी हो चुकी है। और अगर ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आप क्लिक कर दें और ऑल पे सेट कर दें, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, अपनी पिक्चर शेयर करें मेरे साथ जो आपने मेरा मेकअप लुक क्रिएट किया है। मैं आपकी पिक्चर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करूंगी और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू।